हेलो। तो आज का टॉपिक है डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट। और इस टॉपिक में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक में हम इनिशियली डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है और केमिकल प्रॉपर्टी है वो पढ़ेंगे। और फाइनली जितने भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है डी ब्लॉक में उनके बारे में पढ़े। ठीक है, सो पहले हम शुरू करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट, ओके, सो डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या है कि अगर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी ऑर्बिटल में इंटर करता है तो उसे हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ये सेम डेफिनेशन है एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के जैसे, राइट। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में या एस सबशेल में अगर इंटर करता है देन उसे हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में अगर इंटर करता है तो उसे हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। सिमिलरली अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का डी ऑर्बिटल में इंटर करता है तो उसे हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, सो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन पेनाल्टीमेट। ओके, पेनाल्टीमेट का मतलब है N-1। NHCl से एक नीचे की जो शेल है उसे हम पेनाल्टीमेट शेल कहते हैं। सो पेनाल्टीमेट डी सब शेल में अगर इलेक्ट्रॉन इंटर होता है देन उस एलिमेंट को हम कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। सो दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन अ पेनाल्टीमेट मींस N-1 डी सब शेल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, तो ये बेसिकली डेफिनेशन हो गई डी ब्लॉक एलिमेंट की। अब डी ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे लाए करते हैं, ये बेसिकली एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में लाए करते हैं। ठीक है, सो दे लाई इन बिटवीन एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। और इसी वजह से क्या होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो इंटरमीडिएट है एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट। इसका एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो एक्टिव मेटल होते हैं। वो जो मेटल है एस ब्लॉक के, अल्किली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो काफी ज्यादा एक्टिव मेटल होते हैं। लेकिन पी ब्लॉक डी ब्लॉक के जो मेटल्स है, डी ब्लॉक के हर एलिमेंट मेटल है और वो जो मेटल है उनकी एक्टिविटीज एस ब्लॉक के एलिमेंट से कम है। और अगर हम पी ब्लॉक को कंसिडर करें तो पी ब्लॉक में कुछ एलिमेंट मेटल है और मैक्सिमम जो एलिमेंट है वो नॉन मेटल। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि मेटालिक कैरेक्टर जो है वो अलोंग द पीरियड क्या होता है, डिक्रीज होता है। एस ब्लॉक एलिमेंट में मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टर होगा, डी ब्लॉक में उससे कम होगा और पी ब्लॉक में मेटालिक कैरेक्टर कम होते जाता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक एलिमेंट की वो एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के इंटरमीडिएट। ओके, अब अगर हम इसकी पोजीशन को कंसीडर करें सो डी ब्लॉक एलिमेंट का पीरियड है ये फोर्थ पीरियड से शुरू होता है। ओके, फोर्थ टू ऑनवर्ड थर्ड पीरियड तक ओनली एस ब्लॉक
और पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, राइट। एरागॉन तक हमें एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट मिलता है। थर्ड पीरियड में जो ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है, डी ऑर्बिटल जो होता है वो एम्प्टी होता है, राइट। फोर्थ पीरियड से डी ब्लॉक एलिमेंट की शुरुआत होती है और उसके बाद जितने भी आगे के पीरियड फिफ्थ सिक्स सेवन जो पीरियड है उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट लाए करते हैं, तो ये उसका पीरियड हो गया। और अगर हम ग्रुप को कंसिडर करें, ग्रुप है फ्रॉम 3 to 12 ग्रुप, ओके। थर्ड ग्रुप से लेके 12 ग्रुप तक जो एलिमेंट है वो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है। सेकेंड ग्रुप क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो एस ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप है। और 13 ग्रुप क्या है, बोरॉन फैमिली, वो पी ब्लॉक का ग्रुप है। सो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन और उसकी पोजीशन इन अ पीरियोडिक टेबल, ओके। अब हम डी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं और कौन कौन से ट्रांजिशन सीरीज पॉसिबल है वो सब देखें, ठीक है। सो डी ब्लॉक में बेसिकली 4 ट्रांजिशन सीरीज होती है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। उसमें से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो फर्स्ट 3 ट्रांजिशन सीरीज इम्पोर्टेंट है, बिकॉज लास्ट ट्रांजिशन सीरीज में जितने भी एलिमेंट है वो सब आर्टिफिशियल है और मैक्सिमम जो है वो रेडियो एक्टिव है। तो हम लास्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट है उन्हें इस टॉपिक में नहीं पढ़ते, ओके। सो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ओके, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को हम 3D सीरीज भी कहते हैं, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी 3D सबशेल में इंटर होता है, ओके। अब इस केस में कौन कौन से एलिमेंट है, 3D ट्रांजिशन सीरीज में जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूं। ये शुरू होती है स्कैंडियम से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीस, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये है 3D ट्रांजिशन सीरीज, ओके। इसमें एटॉमिक नंबर कितना है, स्कैंडियम का 21 से शुरू होता है, ये 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, ठीक है। सो 21 से 30 तक फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है, ओके। नाउ सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, इसे हम 4D ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, ठीक है। 4D ट्रांजिशन सीरीज जो है वो येट्रियम से शुरू होती है, येट्रियम, जिंक्रोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, देन टेक्नेशियम, रूथेनियम, रोडियम, रूथेनियम के बाद रोडियम, रोडियम के बाद है पैलेडियम, फिर सिल्वर और फिर है कैडमियम। तो ये बेसिकली है 4D ट्रांजिशन सीरीज और 4D ट्रांजिशन सीरीज जो है वो 39 एटॉमिक नंबर से शुरू, सो 39, देन 40, ये 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48, ओके। दिस इज थर्ड ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, ओके, और इसे हम 4D ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है
5D ट्रांजिशन सीरीज, ओके, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को हम 5D ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, और 5D ट्रांजिशन सीरीज शुरू होती है लैंथेनियम। लैंथेनियम का एटॉमिक नंबर है 71, ओके, देन हॉफमियम, टेंटेशियम, टंगस्टन, रिनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी, ओके, ये 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 80, ठीक है। तो ये बेसिकली थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। अब इनके ग्रुप की अगर हम बात करें, देन ये हमारा थर्ड ग्रुप है। थर्ड ग्रुप में स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनियम आता है। ये फोर्थ ग्रुप है, ये फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन एंड ट्वेल्व। थर्टीन ग्रुप इज अ बोरॉन फैमिली, और सेकेंड ग्रुप कौन सा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। तो ये ग्रुप्स हो गए हमारे। सो थर्ड ग्रुप में स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनियम आता है। फोर्थ ग्रुप में टाइटेनियम, जिंक्रोनियम और हॉफमियम। सिमिलरली लास्ट ग्रुप में जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। तो ये बेसिकली हो गए ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट, और इन ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट में मर्क्यूरी इज द ओनली एलिमेंट विच इज लिक्विड, ओके, मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड होता है, बाकी सारे एलिमेंट सॉलिड है और मेटल है, जैसे मर्क्यूरी भी मेटल है, ठीक है। और अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछे कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, सो जनरली अगर हम ग्रुप को कंसीडर करें तो हर ग्रुप में 6 to 7 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन थर्ड ग्रुप में हम मैक्सिमम एलिमेंट को कंसीडर करते हैं, बिकॉज थर्ड ग्रुप में लैंथेनियम है, राइट। अब इस लैंथेनियम में पूरी की पूरी लैंथेनाइट सीरीज है, इसके नीचे एक्टिनियम होता है, एक्टिनियम में एक्टिनाइट सीरीज है, राइट। सो थर्ड ग्रुप में लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स दोनों प्रेजेंट है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, थर्ड ग्रुप में, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन थर्ड ग्रुप, ओके। तो ये बेसिकली जितने भी ट्रांजिशन मेटल है उनके बारे में हमने जो बेसिक आइडिया है वो हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। अब हम ट्रांजिशन एलिमेंट को या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। सो ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट और ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट की जो डेफिनेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है डी ब्लॉक एलिमेंट की तरह, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। सो डेफिनेशन क्या है, एलिमेंट विच हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड, n-1 d orbital और d subshell भी कह सकते हैं, हम orbital की बात करते हैं। So n-1 d orbital in its ground state or any one of the oxidation state.
आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट. ओके, सो ऐसे एलिमेंट जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड एन माइनस वन डी ऑर्बिटल हो, ओके, आइदर ग्राउंड स्टेट में या किसी भी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में. अगर मैं किसी एलिमेंट को कंसिडर करूं तो वो एलिमेंट जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म करता है उन सारे ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर उसके पास एन माइनस वन डी सबशेल अगर होता है और वो अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड है देन उस एलिमेंट को हम ट्रांजिशन मेटल और ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं. और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जिंक, मर्क्यूरी और कैडमियम ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है. जिंक, मर्क्यूरी और कैडमियम जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है. इसका रीजन क्या है? अगर मैं जिंक को कंसिडर करूं तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एरेगॉन 4s2 3d10, तो इसमें कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है. और जिंक की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Zn2+. सो जिंक के पास एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज प्लस टू. सो Zn+2 में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? एरेगॉन 3d10. राइट, सो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में या द ऑक्सीडेशन स्टेट में भी डी जिंक के पास कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, इसीलिए जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट. जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है. सिमिलरली अगर हम कैडमियम को कंसिडर करें, कैडमियम इज क्रिप्टॉन 5s2 4d10. ओके, इसमें भी कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है और कैडमियम की भी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होता है वो है +2. और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इसके पास कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल. सो कैडमियम को भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं करते. सिमिलरली मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ज़ेनॉन 6s2 4f14 5d10. ओके, इसमें भी कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है और मर्क्यूरी +2, ज़ेनॉन 4f14 5d10, इसमें भी कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, इसीलिए जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट. ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है बट दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सबशेल में इंटर करता है. सो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी ये डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं. ओके, तो ये बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट की डिफिनेशन हो गई. अब हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, ठीक है. फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैं पहले 3D ट्रांजिशन सीरीज ले रहा हूं. CD ट्रांजिशन सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? CD ट्रांजिशन सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एरेगॉन NS, ये 1 और 2 हो सकता है, N-1 D
यहाँ पे ये 1 to 10 हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फॉर 3D ट्रांजिशन सिंथेसिस। ओके, तो मैं यहाँ पे 3D ट्रांजिशन सीरीज के सारे एलिमेंट यहाँ पे लिख रहा हूं। फर्स्ट एलिमेंट है स्कैंडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ओके, ये 3D ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट। इसमें 4s में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो हमें नहीं। सो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 23, इसमें 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2 2, क्रोमियम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीज में 2, इसमें 2 और कॉपर में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और जिंक में भी 2। ये 3 और इसमें 5। ओके, ये भी 5, 6, 7, 8, 10 एंड 10। तो यहां पे हमें दो जगह पे इरेगुलरिटी मिलती है, वो है क्रोमियम और कॉपर, ठीक है। अब क्रोमियम और कॉपर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जनरली एस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में इंटर हो रहा है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मैं यहाँ पे प्रॉपरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर करूं फॉर क्रोमियम, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एरागोन 4s1 3d5 और कॉपर का है एरागोन 4s1 3d10। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है और ये पॉसिबल क्यों है? बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉन एस से डी में अगर यहाँ पे ट्रांसफर होता है और ट्रांसफर होने के बाद क्या होगा, डी के पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट हो जाएगा, राइट। और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के वजह से डी ऑर्बिटल जो है वो स्टेबल हो जाएगा, सो इट हैज अ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। और सिमिलरली अगर हम कॉपर को कंसीडर करें तो कॉपर के पास फुल फिल्ड ऑर्बिटल है, और फुल फिल्ड ऑर्बिटल के वजह से कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होता है 4s1 और 3d10। इस केस में अबव प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है बट स्टिल इस तरीके के जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है, ठीक है। सो 3D ट्रांजिशन सीरीज में 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफर होते हैं, बाकी के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2n-1d के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये 3D ट्रांजिशन सीरीज हो गया। देन नेक्स्ट सीरीज है 4D ट्रांजिशन सीरीज। फोर्डी ट्रांजिशन सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टॉन एन एनएस, और मैं यहां पे एन को भी स्पेसिफाई कर रहा हूं बिकॉज हम 4D ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहे हैं। सो ये होता है 5s0 to 2 4d 1 to 10, ठीक है। ये 4D ट्रांजिशन सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब 4D ट्रांजिशन सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट है? येट्रियम, जिंक्रोनियम, इसके बाद है नायोबियम, मॉलिबेडनम,
टेक्नेशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलाडियम, सिल्वर और कैडमियम। ओके, इस सीरीज में मैक्सिमम जो है एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं यहां पे इसे 5s और 4d कंसिडर करूं, सो ओनली फर्स्ट टू एलिमेंट में दो इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद 1, 1, 1, 1, 1, फिर पैलेडियम में 0 और सिल्वर में 1 और कैडमियम में 2। ठीक है, यहां पे आएगा 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 10। ओके, सो यहां पे अगर हम कंसीडर करें, सो नायोबियम से लेके पैलेडियम तक हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन मिलता है। ठीक है, नायोबियम से लेके पैलेडियम तक एटॉमिक नंबर की बात करें, देन ये 39 से लेके शुरू होता है कहां तक, 48 तक। हाँ, पैलेडियम में एस ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, सो जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में वो सारे इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ठीक है, और नायोबियम से लेके रोडियम तक एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये एक्सेप्शन है इसकी। ठीक है, ये 4d ट्रांजिशन सीरीज हो गया और फाइनली हमारे पास है 5d ट्रांजिशन सीरीज। फाइव डी ट्रांजिशन सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ज़ेनॉन 6s, इस केस में 1, 2, 2 और 4f14, 5d 1, 2, 10। ओके, ये 5d ट्रांजिशन सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और 5d ट्रांजिशन सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ये लैंथेनियम से शुरू होता है, लैंथेनियम, हॉफमियम, टेंटेशियम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, सिल्वर और मर्क्यूरी। ये 5d ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट है, इसमें हमारे पास 6s है और 5d। इसमें बेसिकली यहां पे 1, यहां पे 1 और यहां पे 2, दो ही जगह पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, प्लैटिनम में 9, देन ये 10 और ये 10। ओके, सो यहां पे प्लैटिनम और गोल्ड इन दोनों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा डिफर होता है। ओके, सो प्लैटिनम और गोल्ड में एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और बाकी के बचे हुए इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल, तो ये इतने एक्सेप्शन हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, सो ये बेसिकली हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ इसके बाद हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट क्या है, एटॉमिक रेडियस। सो एटॉमिक रेडियस की अगर हम जनरली बात करें,
So down the group atomic radius increases or along the period atomic radius decreases. Okay. तो अगर हम 3D transition series, 4D transition series और 5D transition series को अगर consider करें, then expected order ये होना चाहिए, right? 3D transition series का atomic radius सबसे कम रहेगा, 5D transition series का atomic radius सबसे ज्यादा रहेगा, ये expected order है। लेकिन actual order क्या होता है? एक्चुअल ऑर्डर इस तरीके से, 3D ट्रांजिशन सीरीज का एटॉमिक रेडियस 4D ट्रांजिशन सीरीज से कम है और 4D ट्रांजिशन सीरीज और 5D ट्रांजिशन सीरीज का एटॉमिक रेडियस इक्वल है। यह है एक्चुअल ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब मैं फिर से यहां पे इलेक्ट्रॉन एलिमेंट लिख रहा हूं। यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट कंसिडर करूं, 3D ट्रांजिशन सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीस, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ये ट्रांजिशन सीरीज आपको याद करनी है, ठीक है? एटलीस्ट 3D ट्रांजिशन सीरीज तो याद होनी चाहिए, 4D और 5D में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो 3D ट्रांजिशन सीरीज से आते हैं। So this is 3D transition series. 4D transition series कहाँ से शुरू होती है? Yttrium से. So yttrium, zirconium, then niobium, molybdenum, उसके बाद है technetium, ruthenium, rhodium, palladium, सिल्वर एंड कैडमियम। एंड 5D ट्रांजिशन सीरीज कहां से शुरू होती है? लैंथेनियम, लैंथेनियम के बाद हॉफ्नियम, टेंटेशियम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, देन गोल्ड एंड फाइनली मर्क्यूरी। So, इस केस में क्या है कि अगर हम ये सीरीज को कंसिडर करें, थर्ड ग्रुप को अगर हम कंसिडर करें, थर्ड ग्रुप में बेसिकली ये ऑर्डर क्यों आ रहा है? इट इज ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ओके, ये ऑर्डर क्यों आ रहा है? ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन थर्ड ग्रुप के लिए अप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज लेंथ इलेक्ट्रॉन जो है इस केस में लैंथेनाइड में इंटर हुए हैं, लैंथेनियम में इलेक्ट्रॉन जो है वो लैंथेनाइड सीरीज में इंटर नहीं होते, ठीक है? सो थर्ड ग्रुप में ये ऑर्डर अप्लीकेबल नहीं है। अगर थर्ड ग्रुप को अगर हम कंसिडर करें, सो स्कैंडियम, देन येट्रियम, देन लैंथेनियम, इसमें लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन अप्लीकेबल नहीं है, इसलिए नॉर्मल ऑर्डर आएगा इसके लिए। लेकिन फोर्थ ग्रुप से लेके ट्वेल्थ ग्रुप तक लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है, बिकॉज हॉफ्नियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर करें, देन इट इज ज़ेनॉन 6s2, ज़ेनॉन 6s2 4f14। लैंथेनाइड में 4F14 नहीं आएगा, ठीक है? लैंथेनियम में 4F14 नहीं आएगा, लेकिन हॉफ्नियम में 4F14 आएगा। और उसके बाद हॉफ्नियम में आएगा 5D2। ओके, सो ये हॉफ्नियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने से पहले हमने इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में फिल किया है, और f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होने के वजह से यहाँ पे लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होगा, और लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के वजह से साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। एक्चुअली में 5d का साइज जो है वो बढ़ना चाहिए, लेकिन इस केस में साइज जो है वो डिक्रीज होता है।
और डिक्रीज होने के वजह से उसका साइज नियरली 4D ट्रांजिशन सीरीज के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे इन ये साइज इक्वल है, इनका इक्वल है, ठीक है, इन सब का साइज जो है वो इक्वल है, और इन सब को हम कहते हैं केमिकल ट्विन्स। इन्हें क्या कहते हैं? केमिकल ट्विन्स। ठीक है, बिकॉज उनका साइज जो है वो इक्वल है। और अगर हम 3D ट्रांजिशन सीरीज से अगर कंपेयर करें तो उससे 4D ट्रांजिशन सीरीज का साइज जो है वो बिगर। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑर्डर है फॉर एटॉमिक रेडियस। और अब हमने डाउन द ग्रुप देखा। डाउन द ग्रुप क्या होता है? 3D ट्रांजिशन सीरीज का एटॉमिक रेडियस 4D ट्रांजिशन सीरीज से कम होता है, लेकिन 4D ट्रांजिशन सीरीज और 5D ट्रांजिशन सीरीज का एटॉमिक रेडियस नियरली इक्वल होता है। ओके, नाउ अब हम अलोंग द पीरियड देखते हैं। ठीक है, अलोंग द पीरियड मतलब फ्रॉम स्कैंडियम टू स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीस, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ओके, इन सब का वैल्यू मैं यहां पे लिख रहा हूं पहले, ठीक है, ताकि आपको आइडिया आ जाए इसमें कैसे होता है। तो यहां पे ये एटॉमिक रेडियस का वैल्यू है, यह है एमस्ट्रॉन्ग में 1.44, 1.32, 1.22, 1.17, 1.17, 1.16, 1.16, 1.15, 1.17 and then 1.25। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम ऑर्डर को कंसीडर करें, ओके, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक साइज, ये एटॉमिक साइज है और एटॉमिक नंबर। ओके, सो स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, फिर क्रोमियम से लेके निकेल तक एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट है, और फिर कॉपर और जिंक में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो पहले डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर इंक्रीज होता है। अब ये कैसे ऐसे क्यों हो रहा है? ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीस, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ओके, अब ये क्यों हो रहा है? इनिशियली डिक्रीज क्यों हो रहा है, फिर कांस्टेंट क्यों रह रहा है, और फिर बाद में इंक्रीज क्यों हो रहा है, वो हमें देखना। ओके, सो बेसिकली एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो अगर मैं स्कैंडियम को कंसिडर करूं, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है एरागॉन 4s2 एंड 3d1। यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 4s, सो 4s इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस। ठीक है, लेकिन 4s में इलेक्ट्रॉन फिलअप करने से पहले हमने इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में फिलअप किया हुआ है, राइट? सो 3d में इलेक्ट्रॉन होने के वजह से डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन होगा, और डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन के वजह से साइज डिक्रीज होगा। ओके, सो ड्यू टू डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन साइज डिक्रीजेस। इनमें क्या है? डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। हाँ,
अब डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रेक्शन की वजह से साइज डिक्रीज हो रहा है, इसलिए स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक साइज डिक्रीज होते जाता है। और जैसे जैसे हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में फिलअप करते हैं, तब डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज होता है। अब उस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए साइज जो है वो इंक्रीज होता है। तो स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन ये अकेला इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, राइट। क्रोमियम से लेके निकेल तक डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ये दोनों इफेक्ट वर्कआउट होंगे, राइट। डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन के वजह से साइज डिक्रीज होगा और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से साइज इंक्रीज होगा। और यहाँ पे ये दोनों जो फोर्स है, ये दोनों जो इफेक्ट है वो नियरली इक्वल है, इसीलिए साइज में कोई चेंजेस नहीं आता है फ्रॉम क्रोमियम से लेके निकेल तक। लेकिन निकेल के बाद अगर हम कॉपर और जिंक को कंसिडर करें, तो कॉपर और जिंक में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में होने के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो डोमिनेंट है। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डोमिनेंट होने की वजह से साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। सो साइज डिक्रीज क्यों हो रहा है? ड्यू टू डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करते जाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी इंक्रीज होते जाएगा। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से साइज इंक्रीज होगा। और जब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमने डी ऑर्बिटल में ऐड कर दिए, तो उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो डोमिनेट करेगा, और उसके वजह से साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑर्डर है। ये 3D ट्रांजिशन सीरीज के लिए ये सेम ऑर्डर नहीं है, 4D ट्रांजिशन सीरीज के लिए भी सेम ऑर्डर है, और 5D ट्रांजिशन सीरीज के लिए भी सेम ऑर्डर है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो पढ़ेंगे, ठीक है।